गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी टेकिंग अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर थर्ड ऑफ योर सिविक्स बुक. वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर इन आवर लास्ट डिस्कशन, दैट इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ. So if we recall, we have like once again reinforced that there are three levels of government in our country, that is at local level, state and national level. And we have started about learning the work of the state government, because in your sixth class you have studied about the work of the local governments. So सबसे पहले तो हमें ये recall करना है कि जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है दैट इज नोन एज यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंडली उसके बाद हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट्स के अंदर भी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया कई बार इतने ज्यादा, लाइक इफ यू कंपेयर हरियाणा विद एनी यूरोपियन कंट्री और लाइक से जर्मनी, सो दे आर इक्वलेंट इन पॉपुलेशन एंड इन एरिया. So it is quite difficult to manage this area. That's why we have decentralized the authorities and responsibilities. So state government ne bhi apni power, Indian constitution ne uska bhi provision diya, like usme bhi humne amendment karke ye cheez add on ki hai ki local governments jo hai aa jaye. Aur aapke village ke level pe local government jo hai that is gram panchayat, aur aapka jo town aur सिटीज के लेवल पे आता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है. तो इस चैप्टर के अंदर हमें वर्किंग, हमने नॉट इन डिटेल बट येस वी हैव ट्राइड एंड टू लर्न द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग पे डायरेक्टली आने से पहले हमने देखा कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए आंसरेबल है. हमने अंडरस्टैंड किया, चैप्टर को स्टार्ट किया एमएलए से. व्हाट इज एमएलए? वी हैव लर्न दैट एमएलए, फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, दैट इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. देन वी अंडरस्टूड कि वो एमएलए कैसे बना है. मैं आपको जल्दी से रिकैप देती हूँ. लाइक सपोज अ स्टेट इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर रीजन, दैट इज कॉल्ड वार्ड और कॉन्स्टिट्यूएंसी. फॉर सपोज से एक स्टेट है जिसके अंदर हमने हिमाचल का जब एग्जाम्पल लिया था, तो 68 उसके अंदर वार्ड्स थे, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी. तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक वार्ड से द पीपल लिविंग ओवर देयर विल सिलेक्ट वन पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी होती है, इंडिपेंडेंटली भी चूज किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव कई बार. तो दे विल चूज अ पर्सन की येस दिस पर्सन ही और शी इज कैपेबल टू, दे हैव द लीडरशिप क्वालिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी, एंड येस वी सिलेक्ट दिस पर्सन टू रिप्रेजेंट अस इन द स्टेट गवर्नमेंट. तो इस तरह से एमएलए का सिलेक्शन हो जाता है. तो अगर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 68 एमएलए आपके आएंगे, आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनेंगे आपकी. ठीक है, तो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिलेक्टेड जो भी होगा मेंबर उसमें बैठेगा. अब यहां से आता है नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ व्हाट इज अ रूलिंग पार्टी एंड व्हाट इज अ ऑपोजिशन पार्टी, कि रूलिंग पार्टी क्या है और ऑपोजिशन पार्टी क्या है. आप डिफरेंट, मैंने बोला डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से या इंडिपेंडेंटली भी ये रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं. तो 68 में से टोटल देखेंगे जो भी मैक्सिमम जिसको वोट कास्ट किए गए हैं वो वाली पार्टी जो है आपकी विनिंग पार्टी होगी, और उसी को ये राइट जाएगा कि वो स्टेट के लिए जितने भी रूल्स बनाने हैं, जो भी इम्प्लीमेंट करने हैं लॉ, जो भी वर्किंग है, वो सारा लोगों के बिहाफ पर वो करेगी. तो दैट इज द रूलिंग पार्टी. और जितने भी बाकी आपके एमएलए होंगे वो दैट इज दे आर इन ऑपोजिशन, वो अपोजिशन पार्टी है. मतलब कि वो लोग विन नहीं किया उन्होंने, उनको वोट्स नहीं मिले हैं, लोगों ने उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दी है कि वो गवर्नमेंट उनको गवर्न कर सके. तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास रूल मतलब राइट होता है कि वो लोगों को गवर्न कर सके, लोगों को गवर्न कर सके यानी कि लोगों के बिहाफ पे वो डिसीजन ले सके और उनको इम्प्लीमेंट कर सके. सो हेयर बाय वी हैव रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एंड द रूलिंग पार्टी. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टच द कॉन्सेप्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर.
कि चीफ मिनिस्टर कौन होता है, कैसे चूज किया जाता है। अब आपकी जो रूलिंग पार्टी होता है, मान लो क्लास में एक मॉनिटर जरूरी है, तो रूलिंग पार्टी का भी एक लीडर होना चाहिए। तो वो आपस में डिसाइड करते हैं और वो एक एक अपने में से ही एक चने को वो अपना लीडर चूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। बट वो चीफ मिनिस्टर बनते कैसे हैं, जब हेड ऑफ द स्टेट उसको अपॉइंट करते हैं। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? The governor is the head of the state. And who is the governor? Governor is the head of the state who is appointed by the central government to ensure that the state government works within the rules and regulation of the constitution. आप ये कह सकते हैं कि central government की तरफ से एक वो central government की आंख ना कान के रूप में वहां पर है state में, और वो सब कुछ सारी चीजें देखेगा, check करेगा कि सब कुछ rule और regulation जो constitution में है उसके accordingly हो रहा है। कहीं state government अपने काम करने में leniency तो नहीं कर रही, कहीं गलत decision तो नहीं ले रही है। तो इन सब चीजों को check करने के लिए जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, नेवर से इट इज सीएम, हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट विच इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाई ही और शी इज अपॉइंटेड? टू कीप अ वॉच ऑन द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहां पर आपको पता लग गया, अब सीएम तो अपॉइंट कर दिए, चूज किया था पार्टी ने, अपना रूलिंग पार्टी ने अपने में से एक इंसान को चूज किया था और उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने, हेड ऑफ द स्टेट जो कि गवर्नर है, उन्होंने अपॉइंट भी कर दिया। नाउ दिस सीएम विल चूज हिज मिनिस्टर्स, क्योंकि उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए उसको डिफरेंट मिनिस्टर्स चाहिए, तो वो अपनी एक टीम बनाएगा। तो ये जो वो सीएम और उसकी जो टीम होगी वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होंगे, लेकिन सारे एमएलएस तो नहीं बने ना मिनिस्टर। एक जो एमएलए होता है ना, वो ड्यूल उसका वर्क हो सकता है, यानी कि वो एमएलए भी हो सकता है और मिनिस्टर भी हो सकता है, राइट? समझ रहे हैं आप? मतलब एक जो मिनिस्टर है वो एमएलए भी होगा और रूलिंग पार्टी में है, इस वजह से उसके पास मिनिस्टरशिप भी आ सकती है। तो सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो हैं, लेकिन सारे मिनिस्टर नहीं हैं। जबकि एक मिनिस्टर का मतलब मिनिस्टर तो तभी बनेगा ना जब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो सीएम और उसकी टीम जो होगी मिनिस्टर्स की, वो रूलिंग पार्टी के होंगे और ऑपोजिशन पार्टी जो है वो उनको वहां पर उसके साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, उनके बीच में डिस्कशंस होंगे, वो एक दूसरे को क्वेश्चनिंग करेंगे क्योंकि वो आए हुए हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव, आवर कंट्री इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना, वी हैव लर्न दिस इन द क्लास 6 कि लोग डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए नहीं आते, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बिहाफ पे वो डे टू डे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो उसको उसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, उसको चेक करते हैं। सो हेयर यू अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन जो है, जो बाकी एमएलए जो मिनिस्टर नहीं बने हो, दे आर नो लेसर इन पावर, उनके पास भी बहुत पावर है, वो भी बहुत चेक करते हैं इन सब चीजों को करते हैं। एक डिस्कशन भी हमने आपकी बुक में देखी, जिस जो कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट थी, जो कुछ बच्चे देखने गए थे, और आपने देखा कि कैसे जो ऑपोजिशन पार्टी है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि जितने भी ड्रॉबैक्स हैं रूलिंग पार्टी के उनको लेके आया जाए, उनको उन मुद्दों को उठाया जाए, प्रेशर बनाया जाए जो पार्टी इन पावर है। जबकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसका हमेशा यही सिनेरियो होता है कि वो एक्सप्लेन करें, नो वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, जस्टिफाई करना उनको, ठीक है? तो एक दूसरे में पब्लिक के लिए फायदा है, पब्लिक को तो उसके रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं ना, उनको तो कोई भी पार्टी अच्छा करे, जो पार्टी अच्छा करेगी वही नेक्स्ट इलेक्शन से पावर में आएगी, एल्स वो पावर में नहीं आएगी। सो एक सिनेरियो अभी तक हमने देखा था एक लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहां तक टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव लर्न्ड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन से, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट आर द एमएलएज, हाउ दे आर इलेक्टेड, पीपल इलेक्ट देम, देन दे रिप्रेजेंट, दे गो टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इम्प्लाय, एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी वी हैव डिस्कस्ड। We have learned that the CM and the ministers has to be from the ruling party. We have learned that the CM is one of the member of the ruling party which is appointed by the governor of the state, who or she is appointed by the central government to
keep a check on the state government's working so that they can ensure that yes, whatever the state government is doing, that is within the limits which are prescribed by the constitution of our country. So this is what we have learned in our next chapter. We have gone through this, we have recapped this thing. Okay, so come on page number 36. Let's read out from the first paragraph. The members जो पीछे एक discussion चली गई है उसका जो brief है वो यहाँ पर दे रखा है. Let's read it out. The members were debating the action taken or not taken by the government. ठीक है, जो ruling party वाले हैं वो बता रहे हैं कि क्या क्या action हुए हैं, और जो opposition है वो demand कर रही है कि ये actions नहीं हुए, या आप झूठ बोल रहे हो, या ये problems हमारे wards में, हमारी constituency में अभी भी आ रही है. This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common uses, the word government refers to government departments and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together, assemble in the legislative assembly, are called the legislature. They are the one who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. This is important. I have discussed this thing with you. कि chief minister जो बनेगा वो उसी ruling party में से बनेगा, वो head होगा executive जो आपकी assembly है, यानी कि जो imply करते हैं. देखो MLAs तो सारे हैं, लेकिन वो सारे इम्प्लाई तो नहीं करेंगे ना, सिर्फ इम्प्लाई वो ही करने के, उन्हीं के पास पावर होती है जो कि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं. ठीक है, तो इसे रूलिंग पार्टी का मेंबर, एक जो लीडर होता है, दैट इज नोन एज द CM और द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. नाउ वी आर लेफ्ट विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इज द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, राइट? तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. Let's begin with the reading of this chapter. Along with that, I will be explaining you this topic. I'm on page number 36. The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspaper, TV channels and other organizations regularly talking about the government. In democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let us look at one such वे. तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि लोग जो है अपने व्यूज जो है एक्सप्रेस करते हैं. आपने देखा था जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, उसमें लोग अपना व्यू कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं. जो पतालपुरम की जो प्रॉब्लम है वाटर से रिलेटेड, उसको अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं. वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे? इन द वे ऑफ प्रोटेस्ट. वो धरना दे रहे थे मिनिस्टर के घर के आगे. तो दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज की यस, वी आर नॉट हैप्पी विद वट एवर वर्क यू आर डूइंग, राइट? Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. अभी आपने इसमें भी देखा जो पीछे आपकी legislative assembly की जो example दिया गया था, उसके अंदर ये है कि government के actions पे पूरा जो opposition थी demand कर रही थी कि आपने क्या काम किया, आपने क्या काम नहीं किया, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. उसके बाद क्या होता है, जो ministry होती है, health ministry conference रखती है, press conference. One thing I must say कि मैंने जब work check किया, सबने almost मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मिसस्पेल्ड कॉन्फ्रेंस. तो आप लोग जब भी काम करें तो अपनी स्पेलिंग्स वगैरह पे प्लीज पे अटेंशन. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री बुलाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो अगर न्यूज छापेंगे तो लोगों को गवर्नमेंट का स्टैंड पता लगेगा, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुलाई जाती है. यहाँ पर भी हेल्थ मिनिस्टर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं. लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज पेपर्स वर प्रेजेंट. द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट. द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज टेकन. रिपोर्टर आस्क्ड मेनी क्वेश्चन इन दिस मीटिंग. देयर इज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज पेपर्स. और यहीं से तो, यही तो सोर्स है लोगों की इन्फॉर्मेशन का. लोगों को क्या पता कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो रहा है. दिस इज थ्रू द जर्नल्स और द रिपोर्ट्स विच आर गिवन थ्रू द मीडिया ऑफिशियल साइड ऑफ द गवर्नमेंट. तो वहीं से लोगों को ये नॉलेज जो है उनकी अपडेट होती है. द फॉलोइंग पेज हैज वन सच रिपोर्ट. देखो, एक गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज. चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस फंड फॉर वर्क.
वो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं, न्यूज़पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बताते हैं, बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? ताकि जो भी चीज, जो भी एक्शन लिए हैं या लेने वाले हैं वो लोगों तक वो पहुंचा सके। दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अ गवर्नमेंट टू डू दिस। तो यू कैन रीड दैट पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स, यू विल अंडरस्टैंड कि इसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर कैसे बता रहे होंगे कि हमने क्या क्या किया है, हम क्या अर्जेंट मेजर्स ले रहे हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है हम उसको कैसे करेंगे, हम कैसे सप्लाई करेंगे, कैसे टैंकर्स भेजेंगे, और हम कितना फंड देंगे, हम कैसे लोगों को अवेयर करेंगे, और इस बीमारी को बचाने के लिए हम जल्द से जल्दी हॉस्पिटल्स में क्या क्या नए चेंजेस लेके आएंगे, राइट? During the next week, the Chief Minister and the Minister for Health visited Petalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospital. The government announced a compensation for these families. The Chief Minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of lack of clean drinking water. He said said that a high level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. देखिए आप ministers के working, देखिए government के लोगों को view, लोगों के views express हो रहे हैं, press conference करा रही है government, explain कर रही है अपने steps को, उसके बाद ministers जो हैं वो लोगों को visit करेंगे, जहाँ पर death हुई है, जहाँ पर casualties हुई है, वहाँ पर लोगों को compensate किया जाएगा, job दी जाएगी या पैसा दिया जाएगा, जो भी चीज required होगी वो वहाँ पर उनको दी जाएगी, फैमिलीज को विजिट किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, नेक्स्ट टाइम हु विल इलेक्ट देम इफ दे डोंट प्रूव, लाइक इफ दे डोंट प्रूव देयर सेम वर्दी, देन हु विल नेक्स्ट टाइम इलेक्ट देम? नोबडी एंड एवरीबडी। आई रेड इन दिस चैप्टर समवेयर, इट वॉज रिटन दैट नो गवर्नमेंट वॉन्ट टू शेयर पावर। जो भी सत्ता में है वो नहीं चाहता कि मेरी पावर कभी भी किसी और के पास जाए। इट्स अ ह्यूमन बेसिक ह्यूमन नेचर। तो इस वजह से वो जाएंगे, हॉस्पिटल्स को विजिट करते हैं, फैमिलीज में जहां डेथ हुई वहां जाते हैं, उनको कॉम्पनसेशन देते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर ड्रिंकिंग वाटर, सबकी जो भी एक्शन लेने होते हैं उनके डिपार्टमेंट से वो एक्शन भी लेते हैं, उनको न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर भी करते हैं, जो भी पीडब्ल्यू ने लेना है या हेल्थ डिपार्टमेंट ने लेना है, सब ये जो है जितना भी होगा वो अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स की पूरी वर्किंग की जानकारी जो है लोगों को देते हैं। एज यू सो अब द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन, दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दैट इज पीडब्ल्यूडी, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बींग टेकन। At the same time, newspaper and media widely discuss the issue and the government has to respond, for example, by holding the press conferences. ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या, अब तो हम उस एरा के अंदर है जहाँ लाइव डिबेट होती है टीवी के अंदर। आप देखते हैं कभी न्यूज में देखा, लाइव डिबेट है, कंसर्न मिनिस्टर को बुला लेंगे, दो तीन एक्सपर्ट्स को बुला लेंगे और फिर डिस्कशन करेंगे कि नहीं ऐसे है, कितना होता है ना, एवरीडे न्यूज आर लाइक फ्लैश्ड, हर टाइम पे हो रहा होता है कि लाइव डिस्कशन है इस टॉपिक के अंदर। तो अब कितना एडवांस हो गया ना सिस्टम, अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से नेक्स्ट डे न्यूज में आएगी, नो, नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी, नाउ द मीडिया इज सो मच इफेक्टिवली वर्किंग कवरिंग एवरीथिंग कि आप लाइव डिबेट्स हैं जी, न्यूज पेपर तक छपेगा जो छपेगा, पहले ही टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, राइट? दिस द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज। अब गवर्नमेंट जो है नए लॉज बनाएगी, जहां उसको लगेगा कि नई चीजों की जरूरत है, अमेंड करने की जरूरत है, वहां अमेंडमेंट करेगी, जहां उसे लगेगा नए लॉ लाने हैं तो वो नए लॉ भी लेके आएगी फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी उठा के रूल बना देगी, कौन लिस्ट है जिसमें पावर्स डिफाइन की गई है कि जिन पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगी, और कुछ कॉन्क्रेंट लिस्ट होती हैं जो काम सेंटर और स्टेट मिलकर करेंगे, दोनों कर सकते हैं, मिलकर करेंगे, तो जो उनकी पार के अंदर है उन चीजों से रिगार्डिंग लॉ भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, इट में मेक इट कंपल्सरी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन द अर्बन एरिया। इट में ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉ। कहां बनते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी सारे एमएलए मिलकर
के लॉ बनाते हैं, फिर इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, इम्प्लीमेंट करता है रूलिंग पार्टी के पास, क्योंकि पावर है रूलिंग पार्टी के अंदर, सीएम और उनके मिनिस्टर्स उनको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट. द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज. लॉ फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट. यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट इन योर हायर क्लासेस, दैट इन क्लास 8 यू विल बी रीडिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट. इन अ डेमोक्रेसी इट इज पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट आर एमएलएस, एंड दस इट इज पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी. द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर. दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ इन द अबव एग्जाम्पल. वट एवर वर्क इज डन बाय दीज डिपार्टमेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी रूलिंग अपोजिशन सब उसको अप्रूव करेंगे, तब आपका जाकर वो जो लॉ है वो एनफोर्स होगा, राइट. तो बाय दिस वी हैव लाइक एंड अप द चैप्टर. जस्ट गिव वेरी गुड रीडिंग टू योर एनसीईआरटी बुक. द की रूल ऑफ लर्निंग दीज चैप्टर्स स्पेशली इन सोशल स्टडी, वट एवर, इवन दिस इम्प्लाइज टू ऑल सब्जेक्ट बट स्पेशली इन सोशल साइंस, as many as time you read the chapter the concept will get clearer and clearer. Take my words, every time you do the reading of the book your concept will be much more clearer than before, okay. So go by what I am telling you and अच्छे से reading कीजिए, videos को समझिए, इसके अंदर जो concept discuss किए हैं, and then even after that there I would like to take up your doubts in our live class. I will be explaining the chapter also once again in the live class, but be ready with the doubts. Just do the reading part and just listen to the video carefully, do watch the video carefully and be ready with your doubts. See you in the upcoming live class. Bye for now, take care.